देखो 2019 में क्वेश्चन नंबर 19 टू मार्क्स का क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी टेस्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 4.2 एक्सरसाइज का है। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, क्या कह रहा है, nth टर्म ऑफ द 2ap इक्वल, इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से कि पहली सीरीज का nth टर्म निकालेंगे और दूसरी सीरीज का nth टर्म निकालेंगे, वो n की किस वैल्यू के लिए इक्वल होगी, दोनों इंक्रीजिंग ap है, इंक्रीजिंग ap मतलब समझ रहे हो, दोनों बड़ी ही है, ये 63, 65, 67 3, 10, 7 मतलब दोनों क्या है, इंक्रीजिंग ap है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं 63, 65, 67 nth टर्म निकालने के लिए क्या फार्मूला है हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। अब इस सीरीज के बारे में हमें क्या क्या पता है, देखो ध्यान से, a पता है, a कितना है, a इक्वल टू 63। d कैसे निकाल देते, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यहां से d कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं आता, इस सारी वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो an इज इक्वल टू a कितना है 63 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 63 में से 2 गए तो 61 प्लस 2n, यहां तक हो गई इक्वेशन 1, मतलब ये पहली सीरीज का हमारा an है, ठीक है। अब दूसरी सीरीज को लिखते हैं, दूसरी सीरीज क्या है 3, 10, 70। अब इसका भी हमें an निकालना है, तो वही फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a कितना है सीरीज के लिए 3, d कितना है, d कैसे निकालेंगे, एज यूजुअल बार बार डिस्कस कर चुके हैं, 10 माइनस 3 इक्वल टू 17 माइनस 10, तो यहां से d कितना आ गया हमारा 7 इक्वल टू 7, ठीक है। मेरे ख्याल से सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, कोई भी जाना चाहिए, 2 मार्क्स है, ठीक है। इन इन क्वेश्चनों को कभी मिस्टेक मत करना यार, एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन इजी इजी हो एटलीस्ट उनको तो मिस्टेक मत किया करो, उनको अच्छे से किया करो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके मार्क्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं, धीरे धीरे जुड़ जुड़ के, तब क्वेश्चन एक बार को ना हो मानता हूं, लेकिन आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो क्वेश्चन इजी है वो मेरे गलत ना हो, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 7, तो यहां से an कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहां से an कितना आ जाएगा इक्वल टू 7n माइनस 4, इक्वेशन 2। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इन दोनों के an इक्वल है, लिखा हुआ है देखो nth टर्म ऑफ द 2ap आर इक्वल, मतलब ये दोनों को अब हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कर देते हैं, तो यहां पे रख दो, दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या है हमारा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, ये चीज समझ में आई अच्छे से, मेरे ख्याल से सिंपल ही है। अब देखो इसको लिखो, नोट डाउन करो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 61, ये माइनस इधर और ये इधर, तो कितना हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 7n, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2n, तो इधर से कितना आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n, तो n कितना आ जाएगा 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, तो n कितना आ जाएगा 13। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों सीरीज का 13 टर्म ऑलरेडी इक्वल रहेगा, ध्यान रखना। अब देखो कैसे हुआ, बार बार एक ही चीज बता रहा हूं मैं, देखो ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, चाहे आप करके देख लेना, ये देखो करके दिखा देता हूं मैं आपको, इस सीरीज का 31st टर्म लिखो, 31, तो 13 टर्म कैसे लिखा जाएगा, 13 टर्म इस सीरीज का, इसका तो कैसे लिखते हैं, मैंने बार बार बता चुका हूं, a प्लस 12d, ठीक है। तो a कितना है हमारा 63 प्लस 12 इंटू d कितना है हमारा 2, तो देखो कितना आएगा ये 63 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा ये 87, यहां से क्या आया 87 इस वाली सीरीज के लिए, ठीक है। अब इसको देखो, इसका भी जो 13 टर्म होगा वो भी 87 ही आएगा, देखो चाहे कैसे, क्या लिखेंगे a प्लस 12d,
तो ए कितना है हमारा 3 प्लस 12 ऐसे ही रहा, तो डी कितना है सीरीज का 7, तो कितना आ रहा है देखो 3 प्लस 84, तो ऑटोमेटिक देखो आ गया देखो दोनों का, देखो आ गई बोल, आई बात समझ में, ये कहना चाह रहा है। कोई दिक्कत, बहुत आसान है मेरे ख्याल से, नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।